तो गैरसैंण में होगा शपथ ग्रहण। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि डिबेट में एक छोटी सी बात इतना बड़ा सवाल बन जाएगी नई सरकार और नए मुख्यमंत्री के सामने। मेरे दिल का भाव था, मेरे दिल की आवाज थी, मेरे जहन में एक सवाल था और वो सवाल मैंने जनता के बीच उठाया, उस चर्चा में उठाया जिसमें सीधे तौर पर वो सवाल आने वाले नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौती बन गया। इतिहास रचने के लिए, इतिहास बनाने के लिए, इतिहास के लिए अगर नए मुख्यमंत्री नए मुखिया उस चुनौती को पार कर जाते हैं तो वो उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे। गैरसैंण को लेकर प्यार, गैरसैंण को लेकर मोहब्बत, गैरसैंण को लेकर इजहार अगर दावा है, अगर हकीकत है तो फिर शपथ ग्रहण समारोह गैरसैंण में क्यों नहीं? अगर गैरसैंण को लेकर, पहाड़ की पीड़ा को लेकर, पहाड़ की पुकार को लेकर आप में इजहार है तो फिर गैरसैंण में शपथ ग्रहण समारोह क्यों नहीं? गैरसैंण, वो मुद्दा जिसे सुलझाने का दावा बीजेपी ने किया, वो मुद्दा जिसे सुलझाने का दावा कांग्रेस ने किया, गैरसैंण को अपनाने की बात हर किसी ने की, उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर आम आदमी पार्टी ने। मगर गैरसैंण में जाकर क्या नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे? क्या नई कैबिनेट, नया मंत्रिमंडल इस बार गैरसैंण में जाकर शपथ ग्रहण होगा? यह सवाल आज समूचा उत्तराखंड पूछ रहा है, पूछ रहा है उत्तराखंड की, आखिरकार अगर गैरसैंण से मोहब्बत, गैरसैंण से इजहार तो फिर आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह से क्यों इनकार? नए सरकार के मुखिया शपथ ग्रहण गैरसैंण में क्यों नहीं कर सकते? परेड ग्राउंड जो अब तक ऐतिहासिक लम्हे का गवाह रहा, देहरादून का परेड ग्राउंड जहां पर तमाम मुख्यमंत्रियों ने एक के बाद एक शपथ ली, लेकिन गैरसैंण में क्यों नहीं? आज पूछेंगे यही सवाल, कौन कौन से चेहरे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में और कौन कौन बनेंगे मंत्री, ये एक अलग विषय है। लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल हटके जुदा है, जो पूरे समूचे उत्तराखंड का सवाल बन गया कि गैरसैंण में शपथ ग्रहण समारोह क्यों नहीं। पहले ये तीन बयान सुनिए, अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन पहले ये तीन बयान सुनिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की। नई गैरसैंण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है और हमारी अभी सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया है। निश्चित रूप से वहाँ के लिए इंफ्रा के लिए और राजधानी के क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा बजट भी पास कर करके वहाँ पर इंफ्रा के काम चल भी रहे हैं और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है उसे पूरा। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि शपथ क्या आपकी सरकार लेगी गैरसैंण में? देखिए, अभी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसके बाद नेता सदन चुना जाएगा, सारी चीज़ें जब होंगी तो पता चलेगा कि कहां पर क्या होना है। कथनी और करनी का अंतर तो नहीं होगा। पिछले 5 साल की भाजपा सरकार ने बार बार बताया कि गैरसैंण उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भावनात्मक जुड़ाव है जनता का, परंतु भाजपा का सवाल है अब की बार क्या मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल शपथ लेंगे जाकर गैरसैंण में? सवाल ये है। अब देखते हैं कि भाजपा करती है, करेगी या नहीं। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो 2022 का जो चुनाव हुआ है, निश्चित रूप में जिस प्रकार से स्थायी राजधानी का हल अभी तक नहीं निकला है,
खाली ग्रीष्मकालीन और ये जो शीतकालीन में जो ये बटी हुई है। मैं चाहता हूँ कि नई सरकार का गठन हो, जिस प्रकार से वो राजधानी के परिप्रेक्ष्य में बार बार अपनी सफाई देती है, उसको चाहिए कि वो शपथ ग्रहण समारोह ही गैरसैंण से प्रारंभ करें और वहाँ पे एक नई मिसाल रखे और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि वहाँ से शपथ ग्रहण प्रारंभ करें। और राज्य अनुकारी मंच इस बात का स्वागत करेगा, बाकायदा वहाँ शहीद परिवारों को बुलाया जाए, राज्य अनुकारियों को बुलाया जाए और अपने जनप्रतिनिधि वहाँ पर रहें और उसमें एक नए वहाँ से लिखे कि हम स्थायी राजधानी गैरसैंण को रखेंगे। तो आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, हो सकता है कि धामी भी रिपीट कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उत्तराखंड पहाड़ की पीड़ा, ये तमाम बातें दावे और दावे ना रह जाए। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, रविंद्र वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, राव साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का चेहरा है। रविंद्र जी, राव भाई, मीनाक्षी जी, मैं जानता हूं कि समूचे उत्तराखंड में यह सवाल आज बन गया है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि चर्चा में उठाया गया एक छोटा सा प्रश्न समूचे उत्तराखंड में आज सवाल बन जाएगा। मेरे दिल का भाव था, मैंने यह सवाल इसलिए उठा दिया कि आप लोग गैरसैंण को लेकर इतनी मोहब्बत करते हैं तो गैरसैंण में जाकर शपथ ग्रहण समारोह करिए। अगर पहाड़ की पीड़ा को समझना है तो पहाड़ की गोद में जाकर शपथ ग्रहण समारोह। अगर वाकई दावे नहीं हकीकत हैं तो इतिहास रच दीजिए। सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन गैरसैंण में आज तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो रविंद्र जी, शुरुआत में आपसे करता हूं क्योंकि सरकार आप बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आपके होंगे, यानी कि उत्तराखंड के होंगे, आपकी पार्टी से होंगे। मेरा सवाल गलत तो नहीं है जो सवाल मैंने उठाया? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता इस देवभूमि उत्तराखंड का जनता का ऋणी हो गया है। नहीं, इस ऋण को तो आप उतार नहीं सकते। मैं सिर्फ उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि मेरा सवाल अगर गलत नहीं था, अगर मेरा सवाल गलत नहीं था, उस सवाल का मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो मुद्दा उठाया है, हमारी आपके बयानों में आपने कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने एक तंज करते हुए हमारी तरफ इशारा किया है, हमारे एक स्लोगन का किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। और मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड का निर्माण भाजपा ने किया, गैरसैंण राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी सर भाजपा ने करी सर। और बार बार मैं आपसे एक बात और बता दूं, रविंद्र जी मुद्दे पे ग्रीष्मकालीन की बात कर रहे हैं, आने वाला समय ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं, वह पूर्ण राजधानी जरूर होगी। मुद्दे पे आइए, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुद्दे पे आइए सर। जब पहली बार पत्थर रखा गया था गैरसैंण में विजय बहुगुणा के शासन काल में, मैं तो उस वक्त को भी जानता हूं और इंद्रमणि बड़ोनी के सपने को भी जानता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ वही सवाल है कि सिर्फ इतना बता दो कि शपथ ग्रहण समारोह क्या गैरसैंण की गोद में जाकर आप लोग कर सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं आपसे वही बात बता रहा हूं, पूरी पूरी बात मेरी समझे। इस उत्तराखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के ने यहाँ की देवभूमि की जनता, खास करके महिला वर्ग ने जिस प्रकार का आंदोलन चलाया था, उसको लेकर उसको सम्मान करते हुए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। नहीं है जवाब आपके पास?
आज उत्तराखंड। रविंद्र जी, या तो हाँ होता है या फिर ना होता है जवाब, या तो कोई तीसरा कोई सवाल का जवाब होता ही नहीं है, या हाँ होगा या ना होगा। देखिए, हर चीज का जवाब हाँ और ना नहीं होता, इसका मतलब सर आप एक बात बताइए, गैरसैंण को लेकर, गैरसैण को लेकर इतनी मोहब्बत है ना आपने, आप सीना चीर कर दिखा रहे हैं, देखिए हमारे सीने में गैरसैण है, बैठा है गैरसैण, तो जाकर गैरसैण में शपथ ग्रहण समारोह करिए ना, किसने रोका आपको, आपको किसने रोका, कोई रोक सकता है क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप खाली ग्रीष्मकालीन एक बार शपथ की नहीं, हमने तो वहाँ पूरी की पूरी कैबिनेट करवा ली है सर, पूरी की पूरी कैबिनेट तो बोगड़ा जी भी ले गए थे ना, पूरी की पूरी आने वाले सर देखेंगे। ओके, मैं समझ गया। राव साहब, मैंने जो सवाल उठाया, छोड़ दीजिए पार्टी किसी की भी, सत्ता में कौन आया कौन गया, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, ये बन रहा है वो बन रहा है, ब्राह्मण ढूंढ रहे, ठाकुर ढूंढ रहे, गढ़वाल से ढूंढ रहे, कुमाऊं से ढूंढ रहे हैं, महिला बनेगी या महिला नहीं बनेगी, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बने, 5 साल की गारंटी तो देंगे नहीं, ये 5 साल की गारंटी तो आप भी नहीं देंगे। सिर्फ मेरा सवाल इतना है कि गैरसैण को लेकर आप लोगों ने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गैरसैण में इतिहास रच देंगे, तो मुख्यमंत्री जाकर नई शपथ लेंगे, कैबिनेट को शपथ दिलाएंगे, पोटम स्पीकर भी आज बना दिए गए, तो गैरसैण में जाकर क्या दिक्कत है शपथ ग्रहण की, क्या दिक्कत है गैरसैण में? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य विपक्षी दल को बधाई देना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पर ही, लेकिन मैं शुरू से कहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। जन भावनाएं और जनता के मुद्दे, ये दो चीजें होती हैं जिनसे आज तक हमारे जो विपक्षी और हमारी जो अब आने वाली सरकार है उनका कोई नाता कोई सरोपान नहीं रहा। और आपने सही कहा चावला जी के इनके पास अब दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि हमने जन भावनाओं को समझा और हम गैरसैंण में जाकर के जन भावनाओं के अनुरूप अपनी नई सरकार की नई शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा इसलिए भी इनकी सरकार इनके निर्णयों पर नहीं कह सकता क्योंकि ये इनके अपने फैसले हैं, और मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि जन भावनाएं और जन मुद्दे आने वाली सरकार में मुख्य रूप से रहे और जनता के जो वादे इनके संकल्प पत्र में किए गए हैं जनादेश का सम्मान, हम विपक्ष की भूमिका वो तो अदा करनी ही है आपको, पहले 11 थे अब 18 हो गए, बात वो नहीं है, बात ये है कि गैरसैंण को लेकर जो मोहब्बत का इजहार आप सब कर रहे थे, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि गैरसैंण को लेकर अब मोहब्बत का इजहार है तो फिर जाके करो ना शपथ ग्रहण समारोह, कौन रोक रहा है? हम तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो सत्ता वाले दल हैं उनको एक नजीर पेश करनी चाहिए, हम तो इनके साथ हर चीज करने को तैयार। हाँ, आप पहले अपना घर संभालिए, कम से कम ये शुरुआत, कोल्ड वॉर शुरू हो गया, अपना घर संभालिए पहले, आप उनको सलाह बाद में दीजिए, पहले घर संभालिए अपना। हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, कोल्ड वॉर समझ रहे ना? देखिए ये कोल्ड वॉर है या उनका अपना व्यक्तिगत विचार है? हाँ, व्यक्तिगत, यही तो दिक्कत है, देख रहा है। हाँ, हरीश रावत जी व्यक्तिगत विचार रखते हैं अपना, है ना, प्रीतम सिंह अपना व्यक्तिगत, आप सब लगता है कि सब व्यक्तिगत, एक कांग्रेस है और 10-10 मुंह है उनके, कांग्रेस के सब व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं। बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार में तो 10 की सर, इतना बड़ा परिवार है कि 11 से 18 पर सिमट गए, इतना बड़ा परिवार है, देखिए 11 से 18 सीटें कम कर लो फिर जी। अगर सीटों से इतनी मोहब्बत और मजबूती से निभाएंगे, अगर सीटों से इतनी मोहब्बत नहीं है तो सीटें और कम कर लो, वोट प्रतिशत और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जनता का जनादेश है, इसको सर माथे पे स्वीकार करेंगे, कोई तभी लड़ेंगे। ओके राव भाई, तभी कहा ना दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है आप लोगों के पास। खैर मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और फिर प्रदीप जी मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, मैं उस प्रश्न को लेकर आ रहा हूं जिस प्रश्न को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल
गैरसैंण 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 में राजधानी बनाओ, गैरसैंण में राजधानी बनाओ। देहरादून की सड़कों पर निकलते थे, वो कौन सा होटल है आपके कार्यालय के सामने, एक होटल है, वहां से निकलते थे और जाते थे कहां घंटाघर तक और फिर वापस आ जाते थे। हमारी मांग है गैरसैंण को राजधानी बनाओ। एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं आपको, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूं। आपके एक बहुत कद्दावर नेता जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को खंड खंड कर दिया था, मंत्री बने थे, मंत्री बने थे। मैंने उनसे कहा कि साहब मंत्री बन रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की प्राथमिकता है गैरसैंण, जिस सरकार को समर्थन दे रहे हो उनसे कहो कि गैरसैंण में जाकर शपथ ग्रहण कर लो। बोले ना, चुप, बोले ऐसी बातें नहीं करते शुभ अवसर पर, अभी तो सत्ता में जा रहे हैं, हम सरकार में शामिल होंगे फिर उसके बाद देखेंगे। ये है उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के बयान जो खुद देखे और सुने हैं मैंने, और फिर कहते हैं कि सीना चीर के देखो हमारे सीने में गैरसैंण बसा हुआ है। आज इतिहास रचने का मौका नए मुख्यमंत्री को, क्या नए मुख्यमंत्री यह ऐलान कर सकते हैं कि भैया मैं गैरसैंण में जाकर शपथ लूंगा, मेरी नई कैबिनेट गैरसैंण में बनेगी, नया मंत्रिमंडल गैरसैंण में शपथ लेगा, क्या यह सवाल जायज है या फिर नहीं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, जो एक पत्रकार होता है, एक टीवी चैनल होता है, उसका काम होता है कि जनता के सामने सच रखे और फिर जनता डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है। अब मैं बात करूंगी कि जो भी बात आपने योगी मोदी जी से गैरसैंण को लेकर, मैं ये बात बताना चाहूंगी कि एक दिवाकर भट्टी उत्तराखंड क्रांति दल की है, क्रांति दल की अगर आप परिपक्वता में जाओगे तो उनका हमेशा से गैरसैंण भी, हमेशा से गैरसैंण की बात हुई है। आप ये बताइए कि आज तक हमारे राज्य में चुनाव हुए हैं, मीनाक्षी मैडम मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अपनी बात कर लेती हूँ, प्लीज कंटिन्यू। कि जब राज्य बना था तब जानते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल, हर कोई जानता है कि 1939 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना ही इसलिए हुई थी क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य में काम होता था जिसमें हमारी राजधानी गैरसैंण संपत्तियों के अधिकार था और वो जो व्यक्ति दूर गाँव पे बैठा जिस पर मीनाक्षी जी मुद्दे तो आप लोगों ने उठाए होंगे ना, अब जनता को इतना नादान बेवकूफ मत समझिए, मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ। हाँ, ये चुनाव है, ईगो पे लड़ा जा रहा है, ईगो पे, मैं वही बता रहा हूँ। मेरे एक छोटे से प्रश्न जिस पर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, आपके आदर्श हमारे आदर्श, आपने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन लड़ा, किसी ने मना किया क्या? वो तो मातृशक्ति थी ना, पूरा का पूरा उत्तराखंड अगर सड़कों पर उतर आया, मातृशक्ति उसको लीड कर रही थी, तो वो ये थोड़ी ना देख रही थी कि उत्तराखंड क्रांति दल लड़ाई लड़ रहा है, वो तो उत्तराखंड की लड़ाई थी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, इंद्रमणि बड़ोनी जी, हमारे उत्तराखंड के गांधी, हम सबके प्रिय, आप सबके आदर्श हमारे आदर्श, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या इंद्रमणि बड़ोनी जी अगर देखते होंगे कि ये वही उत्तराखंड क्रांति दल है, उनको पीड़ा नहीं होती होगी, नहीं होती होगी इस बात की पीड़ा? जिस गैरसैंण का मैंने सपना देखा था, वो सत्ता में पहुंचकर भी वो सवाल नहीं उठा पाए। सिर्फ इंद्रमणि बड़ोनी जी की पीड़ा नहीं होती होगी, बल्कि आंदोलनकारी जो सच्चा आंदोलनकारी है वो उत्तराखंड क्रांति दल के इस हाल में आज भी दुखी होता होगा। मैं तभी कह रहा हूं मैडम, सत्ता में कुछ और सत्ता के बाहर कुछ और, सत्ता में तो आप लोग एक काम करिए ना मैडम, आप कह रहे ना पत्रकारिता धर्म, आप मुझे सिखा रहे थे पत्रकारिता धर्म, मैं उठाऊंगा सवाल, सत्ता में
चाहे वाल्मीकि जी हो, राव जी हो, आप लोग भी थे, सत्ता से सवाल पूछा जाता है। हम प्रवक्ता नहीं है सरकार के, हम व्यवस्था आप जवाब दे तब होंगे, आप जवाब दे तब होंगे जब जनता आपसे यह पूछेगी कि भैया ठीक है आप आज कह रहे हो कि हमें तो विपक्ष के रूप में भी नहीं अपनाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष के रूप में आप सड़क पर जाकर यह सवाल उठा सकते हैं कि जाकर गैरसैंण में शपथ ग्रहण समारोह करो। हम लोग हमेशा आप बताओ, लेकिन आप मीनाक्षी जी आप बताओ ना, छोड़िए उस बात को, आप बताओ। सिर्फ गैरसैंण में सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि जो है विधानसभा की बिल्डिंग बनाई है वो किस रूप की है, व्यवस्था व्यवस्था प्रतीकात्मक। ओके ओके, मैं राव साहब आपके पास जाऊं, लेकिन रविंद्र वाल्मीकि जी सीधा सीधा बताइए, शपथ ग्रहण समारोह होगा या फिर नहीं? देखिए एक तो ना साउंड की बहुत इशू आ रही है सर, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ, प्लीज अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए ऐसा है कि मैं पहले भी आपको बताया है कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया, और गैरसैंण में अभी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, और मेरा मेरा ये कहना है बिल्कुल आपके टेबल के माध्यम से कि आने वाले समय में राजधानी पूर्ण रूप से गैरसैंण की ओर होगी। गैरसैंण में खाली चपाती नहीं, कैबिनेट के बहुत बड़े फैसले भी वहां इस पहाड़ की जनता के लिए। रविंद्र जी, रविंद्र जी कांग्रेस बार बार मुंह छिपा लेती है, राव साहब बंद कर देते, मुंह छुपाओ गैरसैंण के मुद्दे पर, मुंह छिपा लो सब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मुझे सीधा बताओ कि गैरसैंण में शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए या नहीं? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसने रोका है सर? पहाड़ के नेताओं को मैदान पर चुनाव लड़ते हुए मैं देखता हूं, नाम लूं क्या, खुले आम बोलता हूं, मेरे को कोई परवाह नहीं है आपके नेताओं से, जिनको आपने सर्टिफिकेट किया पहाड़ के नेता है मैदान पर आकर चुनाव लड़ते हूं। देहरादून में कोठियां बना ली जिन्होंने, जिन्होंने गैरसैंण की लड़ाई लड़ी, उनके गैरसैंण के नाम पर जिन्होंने चुनाव जीते उन्होंने देहरादून में कोठियां बना ली अपनी। देखिए ये बात के लिए मैं आपकी इस बात से मैं आपत्ति जाहिर करना चाहूंगा, इस प्रदेश का कोई भी नेता कहीं से भी लोकप्रिय नेता लड़ सकता है और कोई यहाँ से जाकर भी पहाड़ पे लड़ सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जो इतना बड़ा जनादेश इस उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो वह जानती है कि वो ही उत्तराखंड पूछ रहा है गैरसैंण में शपथ ग्रहण हाँ या फिर ना। राव साहब, राव साहब जवाब नहीं दे रहे, रविंद्र जी नहीं दे रहे जवाब, मैं लगातार पूछ रहा हूँ, ये सवाल ट्वीट करके लोग पूछ रहे हैं, कह रहे बहुत बढ़िया मुद्दा है, पूछो जरा इन लोगों से कि गैरसैंण में करोगे कि नहीं। राव साहब, राव साहब जी 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 मैं आ रहा हूँ, और जहां तक मुंह छुपाने की सवाल बिल्कुल सही और मुनासिब है, और इनको जवाब मेरे ख्याल से आदरणीय रवि कुमार जी को दे देना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि इनका जवाब मैं तो दे नहीं पाऊंगा। हमने तो अपने झंडे और तैयार और डरने जी जी मैं जनादेश का जी मैं जनादेश का सम्मान कर रहा हूँ आदरणीय रवि कुमार जी, इसीलिए तो हमने अपने विपक्ष की भूमिका के लिए खुद को मजबूत कर लिया है अभी से ही। आपके वादे याद हम बखूबी दिलाएंगे अगर आप भूलेंगे, अभी तो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जनता से जो वादे आपने किए अगर वो पूरे नहीं हुए तो एक विपक्ष होते हुए हमें आपको याद दिलाने पड़ेंगे। देखा जनता से किए हुए वादे पूरे किए इसीलिए दोबारा सरकार में आए, और आगे भी जनता का इसी तरीके से सिर झुका के और उनके कार्यों में एक जनसेवक की तरह हमारा प्रत्येक नेता लगा रहेगा। वो राव साहब गैरसैंण का तो आप बोलते रहे हैं कि गैरसैंण जाएंगे राजधानी वही बनाएंगे, अब करने का वक्त आ गया, पहला माह पहली बात है, इसको पूरा कर देना चाहिए। मैं आपकी पहली बात तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं नहीं हूँ माननीय प्रवक्ता कांग्रेस की,
जहां तक बात है गैरसैंण में, तो गैरसैंण का विकास, गैरसैंण का डेवलपमेंट और गैरसैंण तक पहुंचने के सारे मार्गों का डेवलपमेंट आज अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आने वाला वक्त आप देखेंगे, आप पहुंचा तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, बड़े बड़े समस्या यही है। गैरसैंण की धरती पे होंगे, गैरसैंण के विधानसभा भवन में होंगे इस जनता के लिए। जी आप पहुंचा देते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, समस्या यहाँ है। ओके ओके मीनाक्षी, मीनाक्षी जी अपनी बात रखेंगे। ओके मीनाक्षी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, गैरसैंण में जाकर धरना दे सकते हैं हरीश रावत, तो राव भाई कल करवा देना धरना, एक धरना करवा दोगे हरीश रावत का गारंटी दे रहा हूं। इनको जाना पड़ेगा वहां पे शपथ ग्रहण समारोह करवाने के लिए। अगर इतनी हिम्मत है आप लोगों को, लगता है कि विपक्ष के नाते जनता ने आपको चुना है, तो जाके हरीश रावत से कहिए कि हरीश रावत जी, माननीय हरीश रावत जी, आप उत्तराखंड के कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, जाकर धरना दीजिए उत्तराखंड में, गैरसैंण में जाकर गैरसैंण में धरना दीजिए और यह कहिए कि इनको शपथ यहीं लेनी पड़ेगी। करवा सकते हैं राव साहब? अगर आप में हिम्मत है तो हरीश रावत जी से बोलिए कि जाइए, बैठ जाइए धरने पर, पूरी की पूरी सरकार, नई सरकार घुटने टेक लेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आप करवा सकते हैं ये काम कि हरीश रावत धरने पर बैठ जाए गैरसैंण में? अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये शपथ ग्रहण वाले अभी आ रहे हैं तो अभी आने दीजिए, आपको हम सड़क पे भी, सदन में भी, हर जगह लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। देख लूंगा मैं भी, राव भाई आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। ओके मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी बोलिए। तो लड़ाई लड़ी जाएगी। आपने जिन नेता का नाम लिया, रुकिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 21 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए, और वाकई में अगर जनभावना में या हमारी भावना को है राजस्थान राजधानी को लेके, अगर ये इसके बारे में ये लोग जरा सा भी सोचते तो आज 21 वर्षों में 20 का तो राजधानी नहीं है। आज देहरादून का भी बुरा हाल करने के बाद स्थायी राजधानी मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी मेरे को तो मालूम है ना, आप लोग सत्ता में आते तो बहुत कुछ गैरसैंण को पूरा राम राज्य स्थापित कर देते हैं। हाँ पता है मैडम मुझे, जिन महाशय का, जिन बड़े नेता का आपने नाम लिया, मैं बता रहा हूँ ना आपको, गैरसैण से अभी अभी पटा शेप कर देता हूँ, जैसे रविंद्र जी ने चुप्पी साध ली ना, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी सवाल ले लीजिए आप, जैसे रविंद्र जी चुप्पी साध गए, शपथ लेंगे या नहीं लेंगे खैर वो उनके घर का मसला है, मैंने तो सिर्फ सवाल पूछना था, पूछ लिया। मेरा एक सवाल है आपसे, जिन महाशय का नाम लिया आपने, जो आपकी पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं, जो खुद कैबिनेट मंत्री रहे और जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने पार्टी को खंड खंड कर दिया, चार कुर्सी के चार पाए हैं ना, चारों को तोड़ दिया, एक ने दूसरे को तोड़ा, दूसरे ने दूसरे को तोड़ा, दूसरे ने दूसरे को, वो पूरा का पूरा कुर्सी चली गई, पार्टी का सिंबल सीज हो गया। बताइए, वो कह रहा है कि ये मेरा था, वो कह रहा है ये मेरा था, ऋषिकेश वाला बोला मेरा, देवप्रयाग वाला बोला मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि उन महाशय से, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए, उन महाशय से बोलिए कि आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया, नहीं किया आपको, पार्टी ने टिकट दिया, आप जाकर एक बार गलती से ही सही, प्रतीकात्मक ही सही, धरने पर बैठ के एक बार सवाल पूछ लो सरकार से कि क्या गैरसैंण में शपथ ग्रहण करोगे या नहीं। इतना तो कर सकते हैं ना वो माननीय आपके नेताजी। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, आपने ये बात नहीं बोली कि दिवाकर भट्ट जी हमेशा हर मुद्दे को लेकर धरने पर बैठते आए हैं, तो भेजो उनको, एरी जी को भी साथ भेजो, एरी जी को भी साथ भेजो, और जिन 14,000 लोगों ने उनको वोट किया है उनके लिए वो आज भी लड़ रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ एरी जी को साथ भेजो ना, वो तो उत्तराखंड के नेता हैं, एरी जी को साथ भेजो आप। लेकिन तो मैडम आप तो देहरादून से संचालित हैं, आप भी देहरादून से संचालित हैं। ओके ओके मैं काम करता हूँ मैडम, मैडम मैं समझ गया, बहुत बड़े नेता हैं, मैं समझ गया, मेरी तो अपील थी आपसे, गुजारिश थी, एरी जी को भी ले जाइए, उनको भी ले जाइए, क्या पता उत्तराखंड क्रांति दल का कुछ भला हो जाए, यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हो जाए। बस आखिरी सवाल के साथ जा रहा हूँ, रविंद्र जी, रविंद्र जी, उत्तराखंड के मुद्दे हार रहे हैं।
उत्तराखंड के मुद्दे हार गए, ठीक, बिल्कुल देख रहा हूँ, देख लूंगा, ठीक है। मुझे एक बात, चलते चलते रविंद्र जी, देखिए मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी कि नए मुख्यमंत्री को वहाँ पे शपथ लेनी चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि पूरे उत्तराखंड में इस सवाल को लेकर कोहराम मच गया। अगर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ये सवाल गलत उठा रहा है तो मैं कहूँगा कि जनता बोले कि हाँ आप सवाल गलत उठा रहे हैं, मैंने तो जनता के ऊपर छोड़ दिया। अब आपकी सरकार का विवेक, नए मुख्यमंत्री जी का विवेक, आपके नए मंत्रिमंडल का विवेक कि गैरसैंण में शपथ लोगे या नहीं लोगे, मैंने तो सिर्फ सवाल उठा दिया। कर दीजिएगा ट्वीट अगर मन करे तो, वरना जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया राव भाई आपका भी, मीनाक्षी जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी। धन्यवाद। तो ये सवाल जो अपने आप में बढ़ा है कि गैरसैंण में क्या मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री होंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, क्या नया मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह गैरसैंण में होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।